बनासकांठा जिल्लाना सरहदी विस्तार थराद તાલુકાના વડગામડા ગામે લોક ડાયરો યોજાયો હતો, જેમાં હજારો લોકો એકઠા થયા હતા. ત્યારે કોરોના મહામારી વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરા ઉડ્યા હતા, જેમાં ગામના આગેવાન આયોજકે સંતવાણી કાર્યક્રમમાં હજારો લોકોને એકઠા કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં જાણીતા 10 જેટલા કલાકારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ડાયરાનો વિડિયો વાયરલ થતા જ પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. આયોજકના ઘરે જઈ પૂછપરછ કરી તજવીજ હાથ ધરી હતી. કલાકારો સહિત કુલ 12 લોકો સામે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યારે ફરજમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ સ્થાનિક પીએસઆઈ અને બે કોન્સ્ટેબલ સહિત 3 પોલીસ કર્મીઓને પણ સસ્પેન્ડ કરાયા હતા. इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, इसके लिए परमिशन के लिए पुलिस स्टेशन गए थे. वहाँ पे पीआई जो इंचार्ज है, उन्होंने इसके लिए परमिशन के लिए नहीं दिया था, इन्होंने मना कर दिया था. उसके बावजूद भी इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज किया, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भंग हुआ है, कलाकारों को बुलाया गया है, मास्क के बिना इन्होंने ये आयोजन किया है. तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पे और जो भी कलाकार प्रेजेंट थे उन सब पे हम केस कर रहे हैं. मैडम, आयोजक ने अत्यारे तपास चाली रही है, के लिए तपास पहुंची चुकी है. हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो इन्होंने नाम लिखे हैं इनविटेशन कार्ड में, वो सब वहां पे प्रेजेंट थे कि नहीं थे. तो जो जो उनमें प्रेजेंट था वहां पे, जिस जिसने ये भंग किया है, उस पे हम केस कर रहे हैं. मैडम, ये आमंत्रण पत्रिका जो छपाई थी एमा आपनु नाम हतु, सांसद हता, धारासभ्य तमारो नाम हता, अने आयोजक ने एवुं कह्युं छे केटलाक सांसद अने धारासभ्य ने रूबरू मळीने एमने मेसेज आप्यो हतो, तो ए लोकोने पण जाण हती, छतां पण ए लोकोए तो एमनी सामे कोई कार्यवाही थई शके एवुं? ये जो इन्होंने नाम लिखे हैं, ये मेरा जो नाम लिखा है ये मेरी बिना परमिशन के लिखा है, और मेरे तक इन्होंने इनविटेशन कार्ड भी नहीं पहुंचाया, और इन्होंने जो इनविटेशन कार्ड छापा भी वो भी विदाउट परमिशन किया. तो ये सब जो है हम इनको आधार पे रख के और इनके अगेंस्ट में हम केस करेंगे. मैडम, आवी नवी घटनाओ वारंवार बने छे. अगाउ बनासकांठा जिल्लानी वात करीए तो काजल मेहरिया, किंजल दवे, ये पण कलाकार है, तो कलाकारों सामे फरियाद दाखल थशे? हाँ, कलाकारों के सामने भी फरियाद होगी. हाँ मैम, कोई नहीं अटकायत करी छे? अटकायत एक बार एफआईआर हो जाएगा, उसके बाद जो लीगली हम अटकायत करते हैं, लीगल एक्शन जो होगा सीआरपीसी के मुजब, वही एक्शन होगा.